कि इस देश में हमारी सुनने वाला राहुल जी कोई नहीं है। हमारे सपने एक तरीके से टूट रहे हैं और हम लोग परेशानी में हैं, किसान आ रहे हैं, तो उन सब की राहुल जी सुनते हैं। जो राजस्थान सरकार से संबंधित होता है उसके लिए वो मुझे या मुख्यमंत्री जी को डायरेक्शन देते हैं कि ये आप लोग कीजिए, ये क्या चाहते हैं, इन बच्चों की क्या समस्याएं हैं, इनके ऊपर कोई केस दर्ज हो गया, किसी स्कूल चाहिए, किसी को विषय चाहिए, किसी को ट्रांसफर भी चाहिए, परेशानी है, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद के साथ में, एक बहुत ही आशा के साथ में वो लोग जा रहे हैं कि हाँ हमारी सुनने वाला आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है, जिसके मन में गरीब के प्रति, पीड़ित के प्रति सहानुभूति है, दर्द है, उसकी व्यथा को सुनकर के वो उनकी समस्या को आत्मसात करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जो परेशानी भोग रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी। लोग क्या सपने देख रहे हैं, क्या लोगों ने सोचा था जब 8 साल पहले मोदी सरकार को चुना था, आज आके हर व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब हमसे चूक हो गई, आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, न महंगाई कम हो रही है। कल की शाम की कॉर्नर मीटिंग में देखा होगा जब सिलेंडर की बात उठी तो निश्चित रूप से लोगों ने कहा 400 के कम में सिलेंडर था, अब 1100 से ऊपर सिलेंडर हो रहा है। चाहे तेल की बात हो, कहीं कहीं जो राज्य सरकार से संबंधित उनको उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, और कहीं जो उनकी पूरी नहीं हो रही है उनके लिए वो बात भी करते हैं कि हमारी मानना है कि हमें ऐसा राजस्थान की गवर्नेंस चाहिए। तो हम लोगों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है और हमने तय किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इन जो तमाम बिंदु हमारे सामने आए हैं, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे वो सबको साथ लेकर के हो, उनके ऊपर पूरी एक सेमिनार करेंगे, पूरी वर्कशॉप करेंगे, सबको साथ लेकर के कैसे हम उनको आने वाले बजट में या आने वाले समय में हम पूरा कर सकें, ये इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि जब राहुल जी सबकी सुनकर के और जब उनका भाव होता है कि बताइए भैया इसमें क्या कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक परिवार का मुखिया कंधे पे हाथ रख के ये कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता तुम्हारे साथ में है। तो एक खुशी के आंसू के साथ में वो वापस अपने घर में उस यात्रा को छोड़ करके जाता है। तो ऐसा जो अनुभव है मेरे जीवन का इससे बड़ा कोई मेरे लिए कोई एक तरीके से तोहफा नहीं हो सकता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं कभी जीवन में ज्यादा पैदल नहीं चला जयराम साहब, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है कि जब राहुल जी 3700 किलोमीटर इस देश को जोड़ने के लिए चल सकते हैं तो गोविंद डोटासरा किसी भी कीमत में ये 21 तारीख तक, जब तक मैं झंडा हरियाणा को नहीं दे दूंगा तब तक मैं चलूंगा। तो ये इस तरीके का संकल्प लेकर के हम इस यात्रा को सफल बना रहे हैं और तमाम लोग आप देख रहे हैं, मीडिया के बंधु लोग देख रहे हैं, राजस्थान के मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं। तो आप सब लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं और हमारे लिए एक स्वर्णिम कहा रहेगा। लोग बाग जब आते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करते हैं, पालनहार की बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ। और कल राहुल जी ने कह दिया कि जो किया वो ठीक है, लेकिन अब और कुछ करना है वो मैं सरकार को कह के जाऊंगा, संगठन को कह के जाऊंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो राहुल जी जो यहां पर लोगों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, जो भी डायरेक्शन हमारी कांग्रेस की सरकार को देंगे उसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब पधारे, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आपकी समस्या बिल्कुल वाजिब है, इसके ऊपर सरकार को हम लोग कहेंगे कि गंभीरता के साथ में मनन करके इसकी समस्या का समाधान करें। देखिए, संविदा कर्मियों के लिए कैडर बना दिया गया है। पहली बार राजस्थान में कहीं नहीं है कि संविदा कर्मियों का एक कैडर बना करके उनको नियमित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल की गई है। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि पहले जो संविदा कर्मी होते थे उनको चाहे जब हटा दिया जाता था, उनके तनख्वाह कब बढ़े नहीं बढ़े, ये सारे प्रॉब्लम्स थी, उनको सबको दूर करते हुए उनके रूल एंड नियम बना दिए गए हैं, एक कार्डर बना दिया गया है जिससे उनको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कौन से सन में लगा? नहीं नहीं, आप लोकल हैं तो कम से कम ये तो बताएंगे ना। अगर हमारी सरकार के समय में मुझे संज्ञान में ऐसा नहीं हुआ, फिर भी इसको दिखवाएंगे। जब मैंने पहले कह दिया कि निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक कदम हमारी सरकार उठाएगी। चौबीस में मोदी जी को और गजेंद्र सिंह जी को ये जनता देश की सत्ता से हटा देगी तो उनको एहसास होगा कि गलत बयानबाजी करने और झूठ और झूठे वादे करने का क्या हसन होता है। काट की आंडी एक बार चढ़ती है, ये मोदी जी वाली सेना के सौर्य के पीछे छुप करके दो बार चढ़ा दी, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी, निश्चिंत रहे। कोई बदल के नहीं चढ़ेगी, सरकार रिपीट होगी आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से 101%। किसके अरे यार, कहां कर्मचारी था, उसने कोई चोरी वोरी कर ली, क्या गड़बड़ कर ली, तो इन्होंने कहा चलो जैसे प्यार से घर परिवार में माता या बहन फटकारती है, वैसे कहा था कि दोबारा गलती मत करना, भाग जा। नहीं, कोई हिंसा नहीं है भाई, ऐसे हिंसा थोड़ी होती है, ये नाथूराम गोडसे वाली हिंसा होती है, प्यार में परिवार में ये कहना कि दोबारा गलती मत करना है। ये नफरत जो है ना भाजपा की और आरएसपी, इसी को तो मिटाने के लिए, दिल से निकालने के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उनके मन में नफरत है। मैं कह रहा हूं देखो, जिसने जो अपराध किया है उसको सजा मिलेगी, लेकिन ये इस तरीके के कारनामे,
इस तरीके के षड्यंत्र ये करते जाएंगे, क्योंकि इनकी फितरत में है, इनको यही आता है, इनको प्यार आता नहीं है, अहिंसा के रास्ते भी ये चल नहीं सकते हैं, इसलिए ये इस तरीके से विघ्न डालने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये यात्रा रोकने वाली नहीं है, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य बड़ा व्यापक है। देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी बनना एक बात है और थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं होना दूसरी बात है। हमने पूरी कमेटी और 6-7 स्टेट का अध्ययन करा के एक अच्छी सी ट्रांसफर पॉलिसी सभी शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए, जिसमें सारे संवर्ग के लोग आते हैं, उनके लिए भी तैयारी कर रखी है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर भी होंगे, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में थर्ड ग्रेड के टीचर बहुत कम हैं और यहाँ इधर 13 जिले हैं जिनके टीचर उधर बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़ में बहुत ज़्यादा है, अगर उनको बिना भर्ती किए यहाँ लिया जाता है तो वहाँ पर फिर सारी स्कूलों में वैकेंसीज रिक्त हो जाएंगी। तो ये जो नई भर्ती चल रही है उसमें हमारी सरकार इस भर्ती के साथ में थर्ड ग्रेड के ट्रांसफरों को करने का गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन इसका प्रॉपर और एक सही जवाब कब होंगे ये शिक्षा मंत्री जी ही दे पाएंगे। नहीं, देखिए उनका भाव देखिए, उन्होंने कहा हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया सरकार ने, वो तो हमारा फर्ज था, जनता ने हमको आशीर्वाद देकर के सरकार में बिठाया है, तो इस बात को तो ठीक है आपने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन और बेहतर क्या किया जा सकता है इसके ऊपर आप लोग काम कीजिए, और जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा राहत मिले जिससे उनको लगे कि हाँ इस सरकार को हमने प्यार और आशीर्वाद देकर के सत्ता में लाए थे। नहीं, वो तो जो जनता से मुद्दे आ रहे हैं उसके ऊपर उनका कोई विचार बना होगा और वो विचार मुख्यमंत्री जी को बताया होगा।